नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के खेतों में किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है और ये जो खेतों में जाती महिला आपको नजर आ रही है, ये कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम है। फूलो देवी अपने खेत में अन्य महिलाओं के साथ धान का रोपा लगाती हुई नजर आईं। उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये काम उनके लिए नया नहीं है। खेत में उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। ये तस्वीर किस तरह की तस्वीर है? आप खेत पर उतरी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे अमूमन तस्वीरें कम देखने को मिलती है किसी नेताओं की। मुझे खासतौर पर किसान घर की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ और खुद के खेत में आज रोपा लगाने आई हूँ मैं। निश्चित तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन में सुकून मिलता है कि मैं अपने खेत में जाके काम करती हूँ। इतने व्यस्तता कार्यक्रम होने के बावजूद जब कभी भी मेरे को समय मिले तो मैं निश्चित तौर पर एक दो बार खेत को जरूर आके देखती हूँ और उसके साथ साथ उनके साथ खुद काम करने लगती हूँ। ये भी कहा जाता है कि फूलो देवी नेताम का ऐसी पिक्चर पहली बार नहीं है, अमूमन ऐसी खुशी मिलती है आपको ये देखकर खेतों में खुद काम करती हैं तो? देखिए, मैंने कहा किसान घर की लड़की बेटी हूँ, बचपना से ये काम करती आ रही हूँ और किसी चीज़ का मेरे को कोई भय नहीं, डर नहीं, मैं अपने दिल से काम करने लगती हूँ तो मेरे को कोई भय नहीं इसमें, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, ना शर्म नहीं है। अपने घर में अपने खेत में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ और मुझे खासतौर पर बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करने। बता दें कि फूलो देवी नेताम बस्तर संभाग के कोंडा गाँव की रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी गिनती वरिष्ठ महिला आदिवासी नेताओं में होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांकेर सीट से उन्हें ही कांग्रेस से टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में पार्टी ने राज्यसभा सांसद की टिकट दी और संसद तक उन्हें पहुंचाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।